टीजी कोटा के बारे में बात कर रहे हैं तो अनसक्सेसफुल फाइल तकरीबन 36.5 फोरन 39 लाख रुपए में और A6 की फाइल तकरीबन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेयर जो मार्केट से कोट होता है तकरीबन 40 के राउंड पर मार्केट से कोट किया जा रहा है। फाइल्स में सबसे ज्यादा जो तेजी देखी गई इस वक्त DHA फेज 10 की फाइल्स के अंदर काफी तेजी देखी गई और जो कमी और गिरावट देखी गई और DHA फेज 13 की फाइल्स के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई। जी सामने व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सलमान सिद्दीकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी से एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। DHA में ऑल फाइल्स के रेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं करंट मार्केट की पोजीशन फाइल्स के हवाले से। तो थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि फाइल्स में सबसे ज्यादा जो तेजी देखी गई इस वक्त DHA फेज 10 की फाइल्स के अंदर काफी तेजी देखी गई और जो कमी और गिरावट देखी गई और DHA फेज 13 की फाइल्स के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो तकरीबन मार्केट स्टेबल रही। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं DHA लाहौर में फाइल्स के रेट्स। सबसे पहले फेज 13 के हवाले से बात करते हैं तो 5 मरले का जो एलोकेशन है वो तकरीबन कोई 21-21.5 की ब्रैकेट में और 10 मरला 35-35.5 की ब्रैकेट में और जो 1 कनाल का एलोकेशन है वो तकरीबन 63-63 लाख रुपए का मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद फेज 7 की बात करते हैं, 5 मरला एलोकेशन तकरीबन 36 लाख रुपए में और 5 मरले का जो एफिडेविट है वो तकरीबन 40-40.5 लाख रुपए का मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। फेज 9 की बात करते हैं, फेज 9 प्रिज्म की फाइल 43 लाख रुपए में 5 मरला की और जो 9 टाउन की 5 मरला एलोकेशन है वो तकरीबन 51.5-52 लाख रुपए की मार्केट में ट्रेड की जा रही है। अब हम बात करते हैं DHA फेज 10 के हवाले से, 5 मरला एफिडेविट तकरीबन 31.5-31.75 लाख रुपए का एलोकेशन तकरीबन आप कह सकते हैं 25-30 लाख रुपए का, 10 मरला का जो एलोकेशन है वो तकरीबन 53.5 लाख रुपए का, 10 मरला का जो एफिडेविट है वो तकरीबन आपको मिलता है 54.5 लाख रुपए का और जो सबसे ज्यादा तेजी देखी गई DHA फेज 10 की फाइल में है वो 1 कनाल का एलोकेशन और एफिडेविट है। 1 कनाल का जो एलोकेशन है वो तकरीबन मार्केट में अवेलेबल होता है तकरीबन 97.5 लाख रुपए का और जो एफिडेविट है 1 कनाल का वो तकरीबन 1.3 करोड़ लाख रुपए मार्केट में डिमांड की जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं DHA कोटा के हवाले से, DHA कोटा के हवाले से बात कर रहे हैं तो अनसक्सेसफुल फाइल तकरीबन 38.5-39 लाख रुपए में और A6 की फाइल तकरीबन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन रेयर जो मार्केट से कोट होता है वो तकरीबन 40 के राउंड पर मार्केट से कोट किया जा रहा है। बार कोड तकरीबन 33 लाख रुपए में और सेकंड बैलेट तकरीबन 35 लाख रुपए का मार्केट में कोट किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं DHA गुजरांवाला के हवाले से, DHA गुजरांवाला की मार्केट तकरीबन स्टेबल रही, 5 मरला एलोकेशन 24.25 लाख रुपए, 10 मरला का एलोकेशन 40.25 लाख रुपए और जो 1 मरला का एलोकेशन है वो तकरीबन 66-67 लाख रुपए का मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है। DHA बहावलपुर के हवाले से बात करें तो जी ब्लॉक की 1 मरला की जो फाइल है वो तकरीबन 30.5 लाख रुपए की ओपन एफिडेविट और जो ओपन एफिडेविट जनरल कैटेगरी का 1 कनाल का एफिडेविट है वो तकरीबन 27-27.5 लाख रुपए का, 10 मरले का ओपन एफिडेविट मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है तकरीबन 18-18.5 लाख रुपए का और 4 मरला मेन बुलेवार्ड ओपन एफिडेविट तकरीबन मार्केट में कोट किया जा रहा है 64-64.5 लाख रुपए का। तो व्यूअर्स ये थी करंट पोजीशन DHA में फाइल्स के हवाले से, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दोबारा हाजिर होऊंगा नए रेट्स के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। उस वक्त के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको हमेशा से रखे। अल्लाह हाफिज़।